हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट डे स्टार्ट किया था यूनिट फोर्थ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWCN दैट मीन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। लास्ट डे हम लोगों ने टॉपिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें हमारा आता है स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है, पैरालंपिक्स एंड डिफ्लेमिंग मिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, इसमें आता है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक्स एंड डिफ्लेमिक्स। ठीक है, दैट मीन प्रचारक विज्ञापन खेल। ठीक है, आज देखते फर्स्ट हम देखेंगे स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, इसमें आपका आता है द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द प्रोग्रेस विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी फॉर स्पेशल ओलंपिक एट नेशनल लेवल दैट आर ट्रेन टू पार्टिसिपेट इन 24 सिंगल एंड टीम गेम्स बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट मीन साई SAI। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 2001 एज पर द एक्ट ऑफ 1982। दैट मीन जो आपका स्पेशल ओलंपिक भारत है, दैट मीन विशेष ओलंपिक भारत है या एक संगठन है शारीरिक शिक्षा और मानसिक रूप से प्रगति को तैयार करता है। ठीक है, और विशेष ओलंपिक भारत के लिए विकलांगता राष्ट्रीय स्तर पर है, उन्हें 24 सिंगल और भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, 24 सिंगल एंड टीम गेम्स के लिए भाग लेने के लिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, यानी प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा टीम गेम्स, ठीक है, इस संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी, किसके एक्ट अकॉर्डिंग, 1982 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा ओथ, शपथ क्या इसमें दी जाती है, लेट मी विन बट इफ कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, लेट मीन मुझे जीतने दो लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे कोशिश में बहादुर बनने दो। ठीक है, यह ओथ जो ये शपथ जो होती है यह स्पेशल विद जो CWSN है आपका स्पेशल विद स्पेशल नीड्स जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल ओथ होती है, शपथ होती है। ठीक है, गोल इन लोगों का गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, इट्स गोल इज टू प्रोवाइड चांस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड फोकस ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दैट मीन इसका लक्ष्य होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को विकसित करने के लिए अलग अलग विकलांग लोगों को मौका प्रदान करना और उनके लिए उनके समय पर विकास देना। ठीक है, विकास उनके विकास पर ध्यान देना, नहीं समय समय पर उनको क्या करना, अलग समय समय पर अलग अलग विकलांग लोगों को मौका प्रदान करना और उनको और उनके डेवलपमेंट पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या है, आइए देखते हैं। पैरालंपिक्स हमारा दिस इज सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन इन 1960 फर्स्ट टाइम इट वॉज ऑर्गेनाइज इन रोम द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक इज सिचुएटेड एट बॉन जर्मनी द इंटरनेशनल पैरालंपिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स एट प्रेजेंट इट कंप्राइजेज ऑफ 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटीज यानी पैरालंपिक गेम जो होता है यह 1960 में पहली बार विकलांग खेल व्यक्ति के लिए ओलंपिक खेल के समान है और यह रोम में आयोजित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक का मुख्य जो मेन हेडक्वार्टर है वह बॉन डेट मीन कहाँ स्थित है, बॉन में स्थित है। बॉन कहाँ है आपका, बॉन आपका है जर्मनी में। ठीक है, अगर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ये विंटर और समर डेट मीन गर्मियों में और सर्दियों में आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं और ओलंपिक खेलों में वर्तमान में 176 पैरा ओलंपिक समितियाँ शामिल हैं। ठीक है, 176 पैरालंपिक्स कमेटीज जो होती हैं, समितियाँ होती हैं, वो उसमें शामिल हैं। ये था आपका पैरा ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफ्लेमिक्स गेम, जैसे आपका ओलंपिक्स होता है पैरालंपिक्स होता है वैसे आपका होता है डिफ्लेमिक्स गेम। ठीक है, द डिफ्लेमिक्स आर गेम्स फॉर डीप एथलीट्स प्रिविजनली दे आर कॉल्ड द इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीप दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज बाई द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीप सिंस द फर्स्ट इवेंट एंड दे आर सेंक्शन बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी
द डीप ओलंपियन कैन नॉट बी गाइडेड बाई साउंड फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टर गन बेलोन कमांड्स और रेफरी विसल द डिफ्लिम्पिक्स वर हेल्ड इन पैरिस इन 1924 एंड वर ऑल्सो द फर्स्ट इवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर एथलीट्स विथ डिसबिलिटी। डेट मीन जो है डिफ्लिम्पिक गेम्स होते हैं ये पहले एथलीटों के लिए खेल हैं, ठीक है, बहरे जो बहरे एथलीट होते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं पाते हैं। डिफ्लिम्पिक्स मतलब होता है जो जो गेम्स होते हैं ये जो जिनके अंदर बहरापन की डिसबिलिटी होती है, जो विकलांगता जो बहरेपन की विकलांगता होती है उनके लिए गेम होता है, ठीक है। पहले उन्हें कहा जाता था कि बहरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं बनाए, बट अब जो है जो बाद में ये डिफ्लिम्पिक्स गेम स्टार्ट कर दिया गया इन लोगों के लिए, ठीक है। इन खेलों का आयोजन इंटरनेशनल कमेटी द्वारा किया जाता है, ठीक है, और पहले आयोजन के बाद से बहरों के लिए यह खेल और उनके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक द्वारा अनुमोदित किया जाता था, और समय जो कमेटीज थी वो बधिर बहरे ओलंपियन को क्या करती थी, उदाहरण के लिए ध्वनिया द्वारा निर्देशित उनको नहीं किया जा सकता था। तो स्टार्टर गन जो तुमको कि समझाया नहीं जा सकता था, तो जो स्टार्टर गन होती थी जैसे हम लोग जैसे एथलेटिक्स में रनिंग करते हैं तो हम लोग गन से फायर करते हैं ना, तो जो स्टार्टर गन होती है उनको बुल हॉर्न कमांड जो बुल हॉर्न कमांड या रेफरी सीटी जो होती है कि हम लोग एक हॉर्न कमांड भी देते हैं या रेफरी क्या करता है सीटी देता है, तो उन लोगों को ये सुनाई नहीं देता था, ठीक है। तो डिफ्लिम्पिक गेम जो है तो 1924 में फर्स्ट टाइम पेरिस में आयोजित किए गए थे और पहले भी थे, और विकलांगता वाले एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होते अक्सर होते रहते थे, और डिफ्लिम्पिक्स सर्दियों की खेल 1949 के जोड़े में गए थे, ठीक है, और खेल 148 की छोटी सभा के रूप में शुरू हुआ था। और एथलीट जब इन खेलों का एक वैश्विक आंदोलन में उगाया जाता था तो इन एथलीटों के लिए अर्हता प्राप्त के लिए उनके बेहतर कान में कम से कम 55 dB की सुनाई जो सुनवाई होती थी वह हान होनी चाहिए थी, ठीक है, बट उनके बहरे होने के कारण उनको सुनाई नहीं देता था, ठीक है। तो कार्यान्वयन प्रत्यारोपण और प्रतियोगिता में उपयोग करने की अनुमति नहीं थी उनको, ठीक है। यही आपका आगे आपका दिया हुआ डेफिनेशन द डेफिलिम्पिक्स विंटर गेम्स वॉज एडेड इन 1949 द गेम्स बिगेन एज ए स्मॉल गैदरिंग ऑफ 148 भी मैंने बताया ना 148 एथलीट्स थे, तो नाउ दीज गेम्स आर ग्रोन इन टू अ ग्लोबल मूवमेंट द क्वालिफाई फॉर द गेम्स एथलीट मस्ट हैव हेयरिंग लॉस ऑफ एट लीस्ट 55 dB भी मैंने बताया ना 55 dB की हानि होती है इन देयर बेटर ईयर हेयरिंग एड्स एड्स कॉलर इम्प्लांट एंड द लाइक आर नॉट अलाउड टू बी यूज इन कॉम्पिटिशन, ठीक है। लास्ट में प्रश्न आपका है ओलंपिक्स कैन बी नॉट गाइडेड बाई साउंड सो अल्टरनेटिव मेथड आर यूज टू एड्रेस द एथलीट्स फॉर एग्जाम्पल द फुटबॉल रेफरीज वेव अ फ्लैग इंस्टीड ऑफ ब्लोइंग अ विसिल ऑन द ट्रैक रेसेज आर स्टार्टेड बाई यूजिंग अ लाइट इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ स्टार्टिंग पिस्टन। डेट मीन जो डिफ्लिम्पियंस होते थे जिनको सुनाई नहीं देता था उनको ध्वनिया द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता था, आई मीन जो जिनको सुनाई नहीं देता है तो उनको आप गन से फायर करके या विसिल बजा के या ब्लो हॉर्न दे के कोई फायदा नहीं कोई प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो कोई क्रिएविटी या एक्टिविटी नहीं कर पाते थे। इसके लिए फिर क्या किया जाने लगा, इसके लिए फिर एथलीटों को संबोधित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया गया। क्या किया गया इसमें उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, फुटबॉल एक लहर को उड़ाने के बजाय एक झंडे को फहराता है, ठीक है, तो ट्रैक पर जो दौड़ रहा है, ठीक है, अगर ट्रैक दौड़ पर है तो एक शुरुआत पिस्तौल उपयोग करने के बजाय, जैसे कि अगर किसी को दौड़ रनिंग के लिए हम लोग स्टार्टर में पिस्तौल लगाते हैं ना या फायर करते हैं ना या विसिल बजाते हैं, तो उसके बजाय एक प्रकाश का प्रयोग शुरू किया गया कि अगर प्रकाश और टॉर्च जलाई जाएगी तो एथलीट्स को भागना है, ठीक है, क्योंकि वो बहरा है सुन नहीं पा रहा लेकिन देख तो पा रहा है ना, तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि लाइट जला के हम लोग उसको इंडिकेट करने लगे कि आपको दौड़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम होस्ट सिटी कौन सी थी, होस्ट सिटीज समर ईयर, ठीक है, दैट मीन जो मेजबान शहर थे गिरफ्तारी के वर्ष में कौन कौन से थे, फर्स्ट था सोफिया बुल्गारिया अगस्त 2013, नेक्स्ट था आपका सैमसन तुर्की जुलाई 2017, ठीक है, नेक्स्ट था आपका खांटी मानसीस रूस टोरिनो इटली यहाँ का ऑर्गेनाइज किया गया थे, लास्ट आपका था 2019 में, ठीक है। ये थे आपका डिफ्लिम्पियंस गेम्स या डिफ्लिम्पिक गेम जो बहरों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत का अर्थ लिखना है आपको क्या है। नेक्स्ट है आपका राइट द ओथ ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत के लिए एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन सी ओथ, ओथ क्या है, शपथ क्या है, मैंने अभी आपको बताया है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाई पैरालंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाई डेरम्पिक गेम्स, दैट मीन बहरों के लिए जो गेम अरेंज किया जाता है वो क्या है। ठीक है, ये आपके फोर क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आज का टॉपिक आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि समझ के लिखिएगा, अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।